नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज 12 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार और समय रात 8 बजे का। जी हाँ दोस्तों, हम फिर पहुँचे हैं रतलाम प्याज मंडी में। सबसे पहले आपको आवक की जानकारी देने के लिए क्या स्थिति बनी हुई है, जैसा कि आप अभी ये सीधे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं जो लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला। अच्छी खासी वाहनों की संख्या जो है वो रतलाम प्याज मंडी में अभी तक पहुंच चुकी है और लगातार जो है वो वाहन आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार वाहन आ रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से। लगातार वाहनों का प्रेशर, प्याज के वाहनों का प्रेशर बना हुआ है और लगातार वाहन रतलाम की प्याज मंडी में आ रहे हैं। अगर वाहनों की संख्या की बात करूं दोस्तों, तो 400-425 वाहन जो हैं वो अभी तक रतलाम प्याज मंडी में पीछे पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे कहीं भी वाहन नहीं लग रहे हैं, सारे वाहन पीछे ही आ रहे हैं। 400-425 वाहन जो है वो रतलाम प्याज मंडी में अभी रात 8 बजे तक जो है वो पहुँच चुके हैं और लगातार वाहन जो है वो मंडी की तरफ आ रहे हैं। और दोस्तों, एक जानकारी और दे दूँ आपको कि शनिवार सिर्फ कल ही मंडी सिर्फ कल ही मंडी चालू रहेगी और उसके बाद शनिवार को जो है वो मंडी में अवकाश रहेगा। जी हाँ दोस्तों, माह का दूसरा शनिवार होने के कारण सभी मंडियाँ जो हैं वो बंद रहेगी, रतलाम मंडी भी बंद रहेगी। अगर आप भी अपना वाहन लेकर आना चाहते हैं तो अभी मंडी में आ सकते हैं, कल मंडी चालू है। अभी काफ़ी जगह है मंडी के अंदर, अभी 400-425 ही वाहन जो हैं वो मंडी में पहुँचे हैं। तो ये थी दोस्तों आवक की जानकारी कि 400-425 वाहन जो हैं वो रतलाम प्याज मंडी में रात 8 बजे तक, और सिर्फ कल ही मंडी चालू है, उसके बाद में जो है वो शनिवार और रविवार दो दिन का मंडी में अवकाश रहेगा। तो आप किसी भी परेशानी से बचे। 400-425 वाहन रतलाम प्याज मंडी में, शनिवार और रविवार मंडी में अवकाश, सिर्फ कल ही मंडी चालू है। चैनल को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।